सो हम लोग रुके थे होटल ड्रीमलैंड पट्टी टॉप, यहाँ पे इसका रिसेप्शन एरिया है ये। तो अभी हमारा है चेकआउट का टाइम, हमारे उस्ताद जी तैयार हो गए, नहारी का भी तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गए, मम्मी लोग को ये वाला होटल पसंद भी आया अभी तक पूरी ट्रिप पे। तो आप देख सकते हैं ना, ये पूरा है पटनी टॉप, ऊपर आप देखो वहाँ नत्था टॉप है घूमने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बारिश होने की वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ, और एक्चुअली वो भी सिर्फ विंटर्स में स्नोफॉल के लिए ज़्यादा फेमस है, और चारों ओर के नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन आज चारों ओर का क्या है कि क्लाउड्स है, तो वहाँ पर जाना कोई वो नहीं है, मतलब फायदेमंद नहीं है। यहाँ पर आप मतलब आओ तो ये मेरा हिल स्टेशन है बिल्कुल शिमला और मसूरी की तरह, तो आप यहाँ पर आके ठंड का एहसास कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ श्रीनगर से ज़्यादा ठंडा यहाँ लगा, जितना हमको गुलमर्ग में लगा ठंडा उससे ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देवदार के बिल्कुल बड़े पेड़ है, तो पूरा छायादार ये मतलब टूरिस्ट प्लेस है पूरा छायादार। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग आए थे पटनी टॉप, उसके बाद मैंने आपको पटनी टॉप का जो ऊपर के जो दिखाए थे नाग मंदिर है और आपका नाथू टॉप है ये सब कुछ। और आज का ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके, होटल में रुके थे और यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर मतलब पटनी टॉप से बहुत ज़्यादा दूर। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल हमारा आज का प्लान है, तो भाई साहब हमारे साथ पिछले चार दिन से बने हुए हैं, तो ये इनका और हमारा अनुबंध है जम्मू तक, ये हमको जम्मू में छोड़ देंगे, फिर जम्मू के बाद हमको जाना है बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। आगे आगे देखिए हम जाते कैसे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं अमृतसर, मम्मी पापा लोग का वो था कि वो स्वर्ण मंदिर देखते हैं, तो हमने कहा चलो स्वर्ण मंदिर भी देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को जाना है अमृतसर, तो अमृतसर हम लोग जाएंगे, फिर जम्मू तक हम जाएंगे ये भाई साहब की गाड़ी में, और उसके बाद वहाँ से हम लोग बाय ट्रेन या बाय बस जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा हम वहाँ से जाएंगे अमृतसर। तो आज हम देखेंगे पटनी टॉप से लेकर अमृतसर का पूरा रास्ता। यहाँ पर लिखा था वेलकम टू पटनी टॉप क्लीन एंड क्लियर करके, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ऐसे कुछ बता रहे थे, हम लोग आए थे उधर से ना, हाँ तो हम लोग इससे भी पीछे साइड से कल आए थे जब श्रीनगर से यहाँ की ओर आए थे। तो ये क्या होता है कि पहले पटनी टॉप था तो वो पड़ता था आपके जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, बाद में क्या हुआ एक टनल बन गई तो इसका रास्ता ये हो गया बाईपास में, अभी ये रास्ता बाईपास में है। अगर आपको आना है तो आपको टनल छोड़ के ऐसे आनी पड़ेगी, आपको टनल बहुत बड़ी है, करीब 9 किलोमीटर की टनल है, तो आप इस वाले रास्ते आपको आना पड़ेगा पटनी टॉप के लिए, और यहीं से आप फिर श्रीनगर भी आगे जा सकते हैं, या गुलमर्ग आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे जाना है वैष्णो देवी को तो यहाँ से उधमपुर करीब 40 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ से कटरा भी जा सकते हैं। सामने है टनल जो मतलब श्रीनगर जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए टनल बनी हुई है, वह पटनी टॉप बाईपास में आया है वो टनल है, वहाँ से आप जाओगे तो आपके पूरे 2 घंटे बचने हैं, क्योंकि यहाँ से लेके उसके वाले छोर पे पटनी टॉप वाई रोड वापस चलेगी, और यहाँ छोर पे यहाँ से पटनी टॉप रास्ता आएगा, और पटनी टॉप से वहाँ नीचे को उतरेंगे तो उधर बीच में टनल बन गई, और टनल ने चेक किया करीब आपका जो 2 घंटे का रास्ता था वो सीमेंट दिया 20 में, मतलब यानी कि आपके पूरे 1.5 घंटे बचे हैं, 9 किलोमीटर की टनल है इसकी लंबी। देखिए यहाँ पर गुप्तेश्वर महाराज जी की एक टनल निकली हुई है, और एक गुफा यहाँ पर भी है जिसके अंदर मतलब शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे इस टनल बनने के बाद, 1.5 साल हुआ है। ये भी आपको पटनी टॉप वाले रास्ते पे मिलेगा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे।
हमने खाया था खाना वैष्णो भोजनालय, अन्नपूर्णा वैष्णो भोजनालय था यहाँ पे। खाना काफ़ी अच्छा था बाहर, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश लगातार होती जा रही है। हम मेरे नाश्ते के लोग थे, हमने कहा चलो 11 बज गए तो खाना ही खा लो। इसका तो वेलकम टू उधमपुर, हम लोग पहुँच गए उधमपुर में। एक साइड से देखो पूरे ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं चारों। ये आज ही छोड़े जाएंगे ना, कल को छोड़े जाएंगे ट्रक, ये ट्रक कल को छोड़े जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आके इकट्ठे आते हैं। एक दिन ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वालों की बारी आती है नीचे को आने की, एक बार नीचे वालों की बारी आती है ऊपर को जाने की, इसलिए ट्रक यहाँ पर लाइन लगा के उधमपुर में स्टक रहते हैं। अभी यहाँ से करीब जम्मू की डिस्टेंस है 64 किलोमीटर और हाई है, आप देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है। और मौसम क्या है कि मौसम अभी भी बारिश रुकी नहीं है, मॉर्निंग से बारिश हो रही है, लगातार होते ही जा रही है।
तो फिलहाल हम बैठ गए हैं बस में जम्मू टू अमृतसर। इधर बैठे निहारी और मैं, इधर बैठे मम्मी पापा। तो 500 रुपये हमने पर पर्सन किराया दिया है एसी बस है, और 2:30 बजे निकलेगी और शाम को 7 बजे हमको छोड़ देगी अमृतसर। क्यों? हाँ ठीक है तुम्हारी क्या निहारी का से कुछ हो जाओ कैसे बोलते हैं क्या पंजाब बॉर्डर पास में ही होगा लगा। तो यहाँ पर दुकानें बाहर खड़ी है पकौड़ों की, और हमको देख के ना लालच आ रहा है क्योंकि बहुत ऐसे कुछ खाया पिया ही नहीं है भाई, ना चाय भी नहीं। तो यहाँ पर लगी है पकौड़ों की दुकान। पंजाबी लोग दिखने से लगे। दुविधा के लिए खेत है, पहले पंजाब स्टार्ट नहीं था, पंजाब मतलब वहाँ से स्टार्ट होने 2 किलोमीटर बचे, वो जगह का नाम था लखनपुर। अभी हम लोग हैं यहाँ पे पठानकोट पुलिस के में चौकी लगी थी, और माधोपुर लिखा होता है एक जगह पे, तो हम लोग वहाँ पे हैं। साथ में एक नहर बह रही है, नहर किनारे हाँ बिल्कुल साफ पानी है। तो यहाँ पे नहर बह रही है और सारा फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया पंजाब हमारा। तो हमने लिया था होटल बिल्कुल नियर आपके गोल्डन टेम्पल के पास, क्योंकि गोल्डन टेम्पल के गेट के बिल्कुल बाहर है। मैं बाहर से आपको पहले दिखा दिया। फिर आए मम्मी लोग, सब लोग पसर गए, सब लोग थके हुए थे, तो सब लोग निहारी का सोई भी है, तो कहा कुछ देर रेस्ट करेंगे उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाएंगे, ये हमारा प्लान था। तो उसके बाद हमने लिया था डबल बेडरूम, मतलब 2 बेड लगे हुए हैं इसमें, और साथ साथ में एक वॉशरूम है। तो ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादातर रूम हैं अवेलेबल पूरी फैमिली के लिए। सो ये था सफ़र पटनी टॉप से लेके अमृतसर तक का, कैसे क्या क्या रास्ता था वो मैंने आपको दिखाया, और साथ साथ में कहाँ हम रुके हुए। नेक्स्ट ब्लॉग और एक्साइटेड होने वाला है, हम घूमेंगे अमृतसर, यहाँ का स्वर्ण मंदिर देखेंगे। तो ब्लॉग नेक्स्ट वाला पूरा पक्का देखना। ये वाला अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भूमि जय उत्तराखंड।